आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चावल, ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या चावल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे चावल का कटोरा किसे कहते हैं, धान का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे उगाया जाता है या चावल कहाँ पे उगाया जाता है, विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे उगाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किस राज्य को हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अगर आपको ये पता नहीं है बाउल के बारे में तो आप मेरा पिछला वीडियो जो कि गेहूं से रिलेटेड है उसे आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें वीडियो में बताया है कि वास्तव में बाउल का यहाँ पर जो बाउल लिखा हुआ रहता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जाके मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए गेहूँ का, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये बाउल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाउल ऑफ इंडिया अगर लिखा करता है रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किस राज्य को हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको पता है नहीं पता है? तो हम लोग आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा कि धान का कटोरा किसे कहते हैं तो आप लोग आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगर आप लोग से पूछेगा धान का कटोरा किसे कहते हैं तब आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा का जो रीजन बनता है, जो दोनों नदी जब आते हैं तो वहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण होता है वहीं पे चावल उगाने के लिए सबसे उपयुक्त ज़मीन रहता है, और वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, धान को उगाने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन, वहाँ पे सबसे अच्छा धान उगाने के लिए ज़मीन रहता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन एक्चुअली में है कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये है कृष्णा रिवर और ये है गोदावरी रिवर, है ठीक है, ये है कृष्णा रिवर और ये गोदावरी रिवर, और ये जो एरिया रहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान अच्छा से उगाया जाता है, ये जो ज़मीन होता है ये बहुत फर्टाइल होता है धान उगाने के लिए, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे धान उगाने के लिए सबसे अच्छा फर्टाइल ज़मीन मिल जाता है। तो ये रहता है, ये है गोदावरी रिवर और ये है कृष्णा रिवर। मैं बहुत जल्दी आप लोग को इंडिया का पूरा कंप्लीट वीडियो सीरीज ला के दूंगा, जिसमें आप लोग रिवर माउंटेन सारा चीज़ मैं आप लोग को वहीं पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग केवल बता देता हूँ गोदावरी और कृष्णा का जो यहाँ पर डेल्टा रीजन बनता है इसमें धान सबसे अच्छा उगाया जाता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। किस देश को राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, किस देश को राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस देश को राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो वो है थाईलैंड और वियतनाम को, ठीक है। इसका अगर कभी आप लोग को दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाए तो आपका आंसर होगा थाईलैंड, ठीक है, होगा थाईलैंड। थाईलैंड को हम लोग राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट में सर्च कीजिएगा तो आपको थाईलैंड और वियतनाम ही मिलेगा दोनों साथ में, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, हम लोग थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है। और दोनों अगर रहेंगे तो दोनों आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग जान गए होंगे कि राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर आपसे पूछ देगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है या उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा चीन। अगर सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन कौन करता है तो वो देश है चीन। चीन आता है पहला नंबर पे, ठीक है, चीन आता है पहला नंबर पे। सबसे ज़्यादा विश्व में चावल का उत्पादन करने वाला देश का नाम है चीन, और दूसरे देश का नाम है अपना देश जिसका नाम है भारत, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो देश है उसका नाम है भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला देश का नाम है चीन और दूसरे नंबर पे आता है भारत। लेकिन जब राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड आप लोगों को क्वेश्चन में रहेगा तो आप लोग का आंसर होगा थाईलैंड और वियतनाम। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।